ये हाल है हमारी गाड़ी का। इंटरवल का वेट कर रहे थे, इंटरवल का वेट कर रहे थे। और देखो उसको देख के लग रहा है इंटरवल का वेट हो रहा है। अबे यार रियली इसको एक मेल डाल। मैंने बिल ऐड करा दी किसी और के। ओए लखनी वेलकम बैक। आज बहुत स्पेशल दिन है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच उसके लिए। अभी मैंने टी शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है आज, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं क्योंकि मैं 4-5 दिन और मुंबई रहने वाला हूँ। अभी और भी कुछ बड़ा आने वाला है, वो आप धीरे धीरे देखते जाओगे। सब हो रहा है आपकी दुआ आपके प्यार की वजह से। गाइस हमारे बैग है बिल्कुल पैक, उसका रीजन है कि आज हमें होटल छोड़ना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आपने देखा थंबनेल में हम जहाँ जा रहे हैं और जितनी भी जगह आज अपने को जाना है ना वो सब है जुहू के आसपास। तो यहाँ से हमारे ट्रेवल में 1 घंटा लग जा रहा है, वहाँ हमारे डेली के 2 घंटे खराब हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये होटल छोड़ के जुहू के पास कोई होटल लिया जाए। तो हमने होटल बुक कर लिया ऑलरेडी और अब बस यहाँ से चलो यार, चलो जल्दी, कुछ नहीं खाया सुबह से मैंने। ये देखो हमारी कोई हेल्प करने नहीं आया नीचे से, खुद से कुछ लगे लेके आना पड़ा। और गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मुंबई आ रहे हो तो लेमन ट्री कभी मत रुकना, सबसे गंदा होटल है ये, सबसे गंदा सीरियसली। हमारा कैब वाला तब से वहीं खड़ा है यार, कितनी देर लगा दी अभी तक नहीं आए। मुझे तो भूख लग रही है भाई, मैं क्या बताऊं, बहुत तेज। तुझे भी लग रही है भूख? मेरा फास्ट है आज। तेरा फास्ट है? स्मूदी पी के दो घूट स्मूदी पी के फास्ट है। बस मैं ऐसे रुकती हूं भाई, ऐसी स्मूदी। किस चीज का नहीं, तू ऐसी स्मूदी मंगाई है, सड़ रही थी वो भाई का सब। और इसको ये भी नहीं पता सड़े में और फ्रेश में फर्क किस चीज का, लक्सो के लिए क्या के लिए मेरा फास्ट है। चलो धरा कैब आ गई। ये हाल है हमारी गाड़ी का और सबसे बढ़िया हाल है किसका नहीं, तू ये हमेशा आगे बैठने की जिद करता है ना, देखो मजा आ रहा है क्यों भाई, चला की पड़ी भारी पीछे रखेंगे वाला बैग। तो रखेंगे भाई, वो कैसे रख देंगे हम पीछे, दिमाग होना चाहिए यार। सूरज गाड़ी मिला नहीं तो गैस गाड़ी में तो भी तो फिर तो पागल हो जाता। फाइनली नए होटल में हम आ गए अपना लगेज लेकर, सूरज हमसे पहले ही आ गया था बिकॉज मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है, कुछ खाया नहीं सुबह से। चले नहीं तो वो बोल रहे उधर से, हमने अभी चेक इन भी नहीं किया, जस्ट खाने के लिए आए क्योंकि लखन को चक्कर आ रहे हैं। फाइनली यकीन नहीं हो रहा। सूरज थैंक्स टू यू मेरे भाई, आज तूने बचा लिया। गलती सुधारना, कौन सी गलती, अरे वो तो उसमें क्या गलती है, तो होता रहता है भाई। लेकिन ये कि आज जो हालत हो गई थी ना मेरी, आज मैंने एक लेसन सीखा वो ये कि सुबह कुछ भी हो अपना खाया टाइम से खा लो। मैंने सिर्फ रायता लिया है और मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ आज, सब खाने वाले हैं ये तीनों की तीनों। सूरज की हो रही है तबीयत खराब तो मैंने ली है दवाई और जा रही हूँ सूरज को देने। बटन दबा देंगे क्या करा इसने, ये पहले तो दवाई रखो अपनी। क्या किया पगले तूने, या पेंट हो रहा था, मैं जाने का बैल दबा रहा था आपको बुलाने के लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ अभी बताती हूँ, कंप्लेंट करती हूँ उस लड़के की। करो करो करो। तो फ्रेंड्स मैं भी रेडी हो गया हूँ स्पेशल ओकेजन के लिए और मैं अब जाता हूँ नीतू और यशु के पास, देखता हूँ क्या कर रही है दोनों। अरे तुम दोनों का यही चलता रहता है क्या, तूने यशु क्या बना रखा है नीतू यहाँ। नीतू चल ले यार, कितना टाइम लगाएगी अब, बस 5 मिनट। आज तो आपने मुझे बचा लिया वरना आज तो मैं मरती। देखो इसकी बातें सुनो, सच में मैं नेजल ड्रॉप के नहीं रह सकती हूँ, मेरे छोटे से बैग में कितना सामान रखोगी तुम, क्योंकि मैं भी बैग नहीं लाना। तो हम लोग बिल्कुल रेडी है गाइस, होटल की लाइट चली गई है, मगर लिफ्ट यूज करनी चाहिए इस टाइम, लिफ्ट तो चल रही है यार। आपको दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है सीढ़ियों से, आराम से नहीं पेट कम हो जाएगा लगन का। लिफ्ट में बंद होना फिर भी ठीक है, सीढ़ियों से आने से नहीं, बट चल उतरते टाइम कितनी प्रॉब्लम हुई, चढ़ते टाइम प्रॉब्लम, क्या मतलब था, मतलब मेरे को समझ तो आया नहीं। आपके पास की बात भी नहीं है, थैंक गॉड तुम लोग आए, थैंक गॉड। हम लेट तो थोड़े से हो गए और ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, पहली बार में लेट होके चल रहे हो सब यार। तो मैप मैंने लगा लिया बिल्कुल यहाँ से, वैसे तो है पास में लेकिन आपको पता ही ऑटो में 4 लोग नहीं बैठ सकते। चलो नीतू अंदर जा, और हो और हो और हो, अच्छा लग रहा है यार, हम लेट ना हो जाए बस। नीतू कोई बात नहीं, तू ऐसी करती है। अच्छा ये लोग हमारा फॉलो करने वाले हैं, हाँ ये लोग हमारा फॉलो करने वाले हैं। देखो मैंने क्या बोला है, आ जाओ आ जाओ। इतनी भाग दौड़ हुई ना, लखन तो सो गए थे पता है, लखन और सूरज सो गए थे, मैं और यशी को मेकअप में टाइम लगता था, हम मेकअप करने लगे थे। लखन ये सुना है कि मुंबई के लोग टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं। अच्छा हाँ, अगर जैसे हम बर्थडे पार्टी से बुलाते हैं 7 बजे आ रहे हैं तो लोग आते हैं 8-9 बजे, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। और IST का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं टाइम के आगे 8 PM IST, उसका मतलब है इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, क्योंकि वो स्ट्रेच होता रहता है बार बार आगे तक। अच्छा गाइस इस कुत्ते को पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कुत्ते को, शेर, बहुत ही बड़ा कुत्ता था सच में। यहाँ पर लोग कछुआ देख रहे हैं, बहुत सारे थे यार, मुझे भी देखना है लगन, आते हुए देखेंगे, आते हुए रात हो जाएगी, रात में कछुए चमकते हैं पता है तुमको। हाँ भाई किधर जाना है अपने को, लक्सू
कहाँ जाना है? आगे सामने ही है। सामने ही है, चलो हमारी ऑडी करवा दी ना पार्क करवा। ओके लेट्स गो इनसाइड। तो ये है जनहित में जारी। अभी तक अगर हम मूवी रिलीज होने से पहले देखते हैं तो उसको क्या इलीगल माना जाता है ना? जैसे लोग टोरेंट पे देखते हैं वो यही है। अब यहाँ पर ना अंदर मोबाइल से बना मत लेना पिक्चर। नहीं यार वो सब मैं नहीं करूँगा, लेकिन मजा आने वाला है। चलो चले सूरज इधर आ, तेरे कुछ बता दो। बहुत बढ़िया बात। पता है क्या हुआ अभी ना, हम लोग ना यहाँ पर देखो प्रीमियर में आया था, तो ऐसा है ना कि सेलिब्रिटीज आ जाते हैं या जो भी है। तो ना यहाँ पर एक लड़की थी, बिल्कुल कहती है इनकी बहन की तरह। तो ये कहती है दीदी ये उधर चुपचाप देखना इतना बेल है। और सूरज और लखन जी खो गए हैं, हम दोनों तो फोन में बिजी है। ये दोनों बना रहे हैं फाइनली इतने वेट के बाद। अब हमारा टाइम आ गया मूवी देखने का, तो अब चलते हैं अंदर। लेट नहीं हो रहे, फाइनली रिव्यूज देख के बताते हैं हम। पता नहीं स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है, स्पेशल है यार। थैंक यू सो मच। इसको नहीं पता मैंने कौन से वाला स्पेशल बोला इसे। अभी ना जिसने एक टेक लिया है सूरज ने, उसका फेस यूं दिख इतना फेस। अच्छा एक चीज यहाँ पर और है कि हम अंदर कुछ नहीं खा सकते, ना पानी। क्यों नहीं खा सकते? बाहर लिखा है बाहर खा के आ सकते, अंदर यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है। इट्स ओके, डर्टी नहीं होगा क्योंकि हम हमें यहाँ पर देखिए शिवानी दीदी। मैंने कहा, मैंने बोला था सेलेब्स आने वाले हमारे बीच। ये देखो मैं तो इनसे ऑटोग्राफ लेने हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे। अब शिवानी हो लखन सर, बिग फैन सर, सर बिग फैन। देखो हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ओ हेलो, मूवी स्टार्ट भी नहीं हुई और तुम्हारी गॉसिप स्टार्ट हो गई है। इतनी अच्छी मूवी बहुत टाइम बाद मैंने देखी, एक भी सेकंड के लिए बोरियत नहीं मूवी में, एक भी सेकंड के लिए। कैसी लगी गाइस मूवी? इंटरवल हुआ है अभी तो कैसे लगा? अरे यार वाला सच के पागल हो, हां सच के पागल हो गए हम लोग सच में। इंटरवल का वेट कर रहे थे, इंटरवल का वेट कर रहे थे। और देखो उसको देख के लग रहा है इंटरवल का वेट हो रहा है। तुम तो वॉशरूम के लिए भागे थे, मगर किसी और रीजन से भागे। स्प्रिंग लग रही है, मुझे भी जाना था। मैं कब से डिस्कस कर रही हूं, मुझे जाना है। इंटरवल है तो कुछ खाना बनता है। मेरा ब्लॉग बंद कर दिया था। हाय सेलेब्स, हाय सेलेब्स, मैंने ऑलरेडी बताया था सेलेब्स आने वाले हैं। लेकिन सेलेब हम कितनी बात कर रहे थे पता है, लोग हमें घूर रहे थे वहाँ। ढोकला खिला के भेज देंगे। मेकअप आर्टिस्ट 10 जनों को साथ में लेके चलती है। बाल देखते हैं। सो इज द मैन इन हिमसेल्फ सर, वी हैव प्लेजर टू मीट यू। अब बहुत अच्छी मूवी है सर, बहुत बहुत अच्छी मूवी है। बिल्कुल सर, ये हमारी आवाज इसीलिए इतनी तेज है क्योंकि हम चार्ज रैप हो चुके हैं, देख के इतना हंसे अभी अंदर। तालियां बजा रहे सब देख देख के। सर और ऐसी जी अपने को सच में लिखा हुआ ऐसा इतना अच्छा ही है। हाँ जी हाँ जी सर, अभी अभी ट्रेंड भी ऐसा हो रहा है कि कॉमेडी आती भी तो ऐसा लगता है जबरदस्ती कॉमेडी घुसाई हुई है इसमें। पंचेज इतने अच्छे आज यूएस सर्टिफिकेट इस पिक्चर को जी सर, और एक भी असली ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं सर, अमेजिंग। कैसी लगी मूवी? वेरी नाइस, एग्जैक्टली। ह्यूमर के साथ मैसेज है, बंटी नो मैसेज सारो होता है। श्री बंटी जनहित में जा रही है। आप में थोड़ा रुको यार, ये वाली सूचना जनहित में जा रही है। और अभी अभी जो जनता है उसको समझना पड़ेगा, इसको खाली हंस के नहीं निकल जाए घर पे। नहीं नहीं सोचना पड़ेगा ही उसको, ऐसी मूवी
डन अपना यार, बहुत अमेजिंग टाइम है। अब चलते हैं वापस बैक टू होटल। ठीक है जनक भाई सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लवली मूवी। मेरी गाड़ी आ गई और मेरी धोखेबाज बहन भी आ गई, जो मेरे को एक महीने पहले दिलवाने वाली थी इसकी राइड। धोखेबाज कभी दिल्ली आती है इसको लेकर, कभी गाजियाबाद आती है, और आज मुझे यहाँ मिल गई। वो तो तुम आयो मुंबई? यस ब्रो, हम मुंबई, हम गाड़ी से आए। हम गाड़ी से आए, वाह ब्रो वाह। वो वाला केक वो कौन सा? कभी खुशी कभी वाला। बाय ब्रो, बाय, मिलते हैं। वैसे जाना नहीं चाहता। She's beating me. थोड़ा मसाला बनाता हूँ। मैं मारूंगी तेरे को। Bye guys, मेरे पे हमला हो गया। तो फ्रेंड्स, नीतू और यशी कर रही है वेट। सूरज ऑलरेडी शिवानी के पास है, शिवानी आ गई हमसे मिलने, और अब मैं भी उनके पास जा रहा हूँ यार। वैसे शिवानी का आने का हमें सच में कोई अंदाजा नहीं था, एकदम सरप्राइज दिया उसने, बहुत अच्छा लगा हमें। शिवानी काफी टाइम से मिस भी कर रही थी। पता है हम लोग अब प्लान बना रहे थे कि हम तीनों ग्रुप साथ में ट्रेवल करेंगे, मैं, सूरज, शिवानी। अच्छा लगता है ना शिवानी ब्रो? भी हमारा सूरत आने का प्लान बन रहा था, और हमको बहुत बाद में पता चला शिवानी ने हमारे लिए ढोल वोल वाले सब बुक किए हुए थे। हम फ्लाइट से उतरते हैं, ढोल वाले में लेने आ रहे हैं, एक पूरा फुल सेलिब्रिटी वाला फील। और वो ब्लॉगर्स आ रहे थे मेरे सिटी में, और वो मेरे सिटी में मेरे ब्रो ब्लॉगर्स आ रहे थे। मैंने बोला भाई यार, होना चाहिए ना भाई यार, रिसीव होना चाहिए ना, फील आना चाहिए। लेकिन एक मनुष की वजह से इस भाई का जो ऑर्गेनाइजर थे ना, उन्होंने उसका फोन ही नहीं उठाया। और कितनी बार, 30 बार यार। लेकिन शिवानी सूरज का फोन ना उठाए, हिम्मत है यार, 30 बार बंदे ने फोन कर दिया। ये देख हम्बल आदमी है, कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजर का बुलाऊंगा तो सूरज। डिनर डन हो गया है ब्रो, करने नहीं यार। ये क्या चीजें बोलने वाली हूँ? अब पढ़ाना भाई। मैं ऑन कैमरा हिंसा नहीं करता, लेकिन ये बंदा नहीं शर्माता हिंसा करने से। एक्शन टू बी टेकन, आप देख सकते हो। रियली इसको एक मेल डाल। मजा आ गया। और आपको ये जो तीन चेहरे आज यहाँ दिख रहे हैं ना, अब ये चेहरे आपको ट्रिप पे दिखा करेंगे, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर करने वाली है ये इस हम पर तो क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, एक बार पे मैं करूंगा, सूरज एक बार। अब देखो जैसे यहाँ छोटा सा तो मैंने कर दिया, अब सूरज करेगा जब ट्रिप की वाली आएगी ना। पे नहीं करने देते वैसे, मैं बताऊं। हां मुझे पता है इसकी आदत है। गाइस दीस आर पागल गाइस। ओके हे भगवान, मैंने बिल ऐड करा था किसी और के नाम। बाय बहना, बाय। मैं तेरे को टिकट भेजूंगी, और अगर तू नहीं आया। कहाँ का टिकट? सूरत का। बहन मेरे घर का भेज दे, मुझे घर जाना है अभी। तेरे घर का नहीं, मैं सूरत का टिकट। दो दिन का सोच के आया था, और यहाँ देख कब तक हो गया यार। भगवान करे, और ऐसे 10 दिन तू यही टिका रहे, और तेरी बहुत सारी डील्स हो। और भगवान करे मेरी बहन आ जाए जल्दी से, हमारा ट्रिप प्लान करके नया। यस सीधा फॉरेन वॉरेन। सूरज रेडी रहिए भाई, पासपोर्ट बन जाने दो। देखे आते सूरज लाइक जगह भाई, मिलते जल्दी। बहुत मजा आया, मीटिंग ब्रो। बाय बाय बाय। ऐसे करना है, ऐसे आपका कमजोर है शिवानी तो ना, मारा जोर से। तो फ्रेंड शिवानी गई वापस, और रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए मुंबई की खास बात कि हमको कैफे खुला हुआ मिल गया। और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि आपने देखा कितना ट्रैवल किया और कितना हेक्टिक रहता है। उसके बाद हम आ गए फिलहाल ये कैफे, क्या नाम है इसका, लव एंड नाटी। और यहाँ पे हम, मैं कुछ कोल्ड कॉफी वगैरह ले रहा हूँ अपने लिए। क्या चाहिए तेरे को? मैंने ये लिया अपने लिए चीज केक। ओके भाई, खाएगा ना? ये वाला तो मैंने मंगाया नहीं भाई। ये किसका आ गया? मेरा चीज केक था, मुझे चीज केक बहुत पसंद है। पहले मैं नहीं खाता था, जब से खाना शुरू करा तब से तो मैं क्या ही बताऊं। यार नीतू के साथ ना दिक्कत हो गई है, उसके ना पेट में बहुत पेन हो रहा है, इसीलिए वो रूम पर ही आ नहीं पाई। मैं उसके लिए यहीं से कुछ लेके जाऊंगा। फाइनली हम लोग आ गए। अब सर आओ तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हें अभी भी शिकायत है दोनों को, कुछ ना कुछ तो लेके आए तुम्हारे लिए यार। अरे वो क्या? स्ट्रॉ? स्ट्रॉ नहीं, पहले बोल पाइप। क्या चाहिए? इनमें लड़ाई हो गई गाइस जाते ही। तो गाइस व्लॉग को खत्म करता हूँ इधर ही। आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, नींद आ गई बहुत इसलिए बोला भी नहीं जा रहा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो यार जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाय, आई लव यू ऑल।